दशानंद रावण का नाश पर स्त्री हरण ही नहीं अपनी पुत्री पर बुरी नज़र डालने के चलते हुआ था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता का जन्म राजा जनक की ओर से बारिश के लिए चलाए गए हल से टकराकर निकले घड़े से हुआ था, लेकिन वह जनक पुत्री होने से पहले रावण पुत्री थी। आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने उनके साथ ऐसा क्या किया जिससे उन्हें धरती से जन्म लेना पड़ा। निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक ने धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। मगर असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु की उपासक होने के साथ साथ उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संसारिक जीवन छोड़ उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गई। इसी दौरान एक दिन रावण वहां से निकला तो सुंदर वेदवती को देखकर मोहित हो उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवती से दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई, जिनसे एक पुत्री प्राप्त हुई। इसे वेदवती का श्राप का असर समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फिंकवा दिया। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वरुणी को मिली, जिसको उन्होंने धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, जहां से वह राजा जनक और रानी सुनैना को मिली और कलंकार सीता के रूप में जानी और पूजी गई। राम विवाह और पंचवटी में सीता के अपहरण के चलते श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण वध किया। सीता मैया एक दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब रावण उनके अपहरण के लिए आया, इसके पहले ही सीता ने अपना वास्तविक शरीर अग्निदेव को सौंप दिया था। दरअसल अगर रावण वास्तविक सीता जी को बुरी निगाह से देखता तो वहीं भस्म हो जाता। यही वजह थी कि अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में सीता को अग्नि देवता से पुंद्र प्राप्त किया, लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता अंत में उसी में समा गई। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।